हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एक अभी नया कोर्स लॉन्च किया यूट्यूब पे, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। तो उस कोर्स में हम फिलहाल हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर अकेडमी, 2018 वॉज द ग्लोरियस ईयर फॉर आवर अकेडमी। ऑन दैट ईयर देयर आर 120 सिलेक्शन फॉर आवर अकेडमी इन द CAPF सर्विसेज। दिस इज फोटो ऑफ आवर मेंटर डॉक्टर प्रशांत जगताप सर। ही इज एक्स असिस्टेंट कमांडेंट CISF। अबाउट हिम, he is a passionate teacher, professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense law from Nalsar University of Law. He is author of 3 best selling books for CAPF assistant commandant preparation for McGraw Hill publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF assistant commandant in 2012 with All India rank 80. He had served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer on class 1 rank with Government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicines in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is about me. I am Utkarsh Tambole. I have 2+ years of the experience of teaching in both online and offline coaching, and I am preparing for the civil services examination with history as an optional subject. So last lecture mein humne dekha tha how there were the Sikh wars and how there was the consolidation of the Britishers in the Indian land. तो आज हम देखेंगे जो भी इंडिया में नेशनलिज्म का राइज हो रहा था या फिर नेशनल फीलिंग का जो राइज हो रहा था, उसके बाद इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज चालू हुई थी जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम कनेक्ट कर सकते अर्ली पॉलिटिकल अवेयरनेस से भी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो आए थे विद द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जो वेस्ट में पॉलिटिकल या फिर नेशनलिज्म या फिर जो फ्रेंच ट्रायोलॉजी जिसे कहा जाता है, यानी कि फ्रीडम देन लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फैटर्निटी, ये जो ट्रायोलॉजी है, तो ये ट्रायोलॉजी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो तैयार हुई थी, तो ये सारी आइडियाज जो थी वो इंडिया में आना चालू हो गया था। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो था वो था इंडियंस जो अर्लियर डिसऑर्गेनाइज थे या फिर आइसोलेटेड एफर्ट्स कर रहे थे, तो वो स्लोली स्लोली ऑर्गेनाइज होना चालू हो गए थे यहाँ पे। So today we are going to see the early political organizations. Okay, तो सबसे पहला आता है उसमें बांग भाषा प्रकाशिका सभा by associate of राजाराम मोहन रॉय। उन्होंने 1836 में बांग भाषा प्रकाशिका सभा चालू की थी। यहाँ पे here you can see the photo of राजाराम मोहन रॉय, उन्हीं के associate। और इसका directly meaning ये भी है कि राजाराम मोहन रॉय ने भी इस organization को support दिया था। They started agitations for demands like appointment of the Indian to higher government officer, freedom of press, prevent zamindari oppression on rayat, etc. तो ये सबसे important चीजें जो थी उस time पे, जिसकी वजह से इंडिया के common masses को जो वहां पे governing power थी ब्रिटिशर्स की, उनसे हमेशा दूर रहना पड़ता था, वो चीज का इन्होंने support करना चालू किया। उन्होंने क्या कहा, इंडियंस को higher government officers या फिर officers जो है वहां पे अपॉइंट करना चालू कर दो, उसके बाद उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस दो, सो दैट वहां पे फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वहां पे प्रिवेलेंस होना चाहिए। उसके बाद ऑल्सो जो जमींदार थे, हमने जो देखा था कि देयर वर द 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, उसमें से एक थी जमींदारी। तो जमींदारी सेटलमेंट में ड्यू टू ब्रिटिश क्लॉजेस या फिर ब्रिटिश रेगुलेशंस जो जमींदार थे वो फोर्सफुली जो उस टाइम पे रैयत यानी कि कॉमन मासेस, स्पेशली पीजेंट्स या फिर फार्मर्स, तो उनसे फोर्सफुली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने सपोर्ट देना चालू किया या फिर एजिटेट करना चालू किया था। उसके बाद सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बंगाल लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी, नाम में ये देखो, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे यानी जमींदार्स थे उनके जो इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सपोर्ट करना, ये काम करती थी बंगाल लैंडलॉर्ड या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ओके, इन 1836 बाय प्रसन्ना कुमार टैगोर, उन्होंने फाउंड जो जमींदारी एसोसिएशन थी उसका फाउंडेशन किया था। उन्हीं के साथ और दो लोग थे, दूसरे थे द्वारकानाथ टैगोर एंड तीसरे थे राधाकांत देव। ये तीनों लोग बंगाल के जो फ्रीडम मूवमेंट थी या फिर बंगाल में जो भी सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे उसके लिए तीनों भी लोग इंपॉर्टेंट है, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव एंड प्रसन्न कुमार टैगोर। इन तीनों ने मिलके
जमींदारी एसोसिएशन नाम की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चालू की थी। अब इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि ये तीनों भी जो थे, ऑल दीज थ्री पर्सनल बिलोंग फ्रॉम द जमींदारी सेक्शन ऑफ द बंगाल, बंगाल के जमींदारी सेक्शन से बिलोंग करते थे। द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड्स या फिर लैंड होल्डर्स या फिर जमींदार। दे यूज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ एजुटेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखो, ये जो हम अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, तो इन सब ने एक चीज कॉमन फॉलो करना चालू किया था, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ एजुटेशन। सो दैट होगा क्या, जो ब्रिटिशर्स किसी भी उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को सप्रेस करते थे ब्रूटली, तो वो सप्रेस नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो एजुटेशन होते थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से होते थे टू फुलफिल देयर डिमांड्स। ये जो फीचर है, ये फीचर अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू किया था। और इसी का एक्सटेंशन जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें INC में, जिसमें मॉडरेट फेज हमें देखने को मिलता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही चलना चाहते थे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इट वॉज फॉर्म इन 1843 बाय विलियम एडम। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, तो उन्होंने वहां पे इसका फाउंडेशन रखा था। टू लेट नो पीपल ऑफ इंग्लैंड द डायर कंडीशन ऑफ इंडियंस, यानी कि ऐसा नहीं था कि एवरी ब्रिटिशर वॉज एनिमी ऑफ द इंडिया। वहां पे ऐसे भी लोग थे जो इंडिया को एम्पथी सिंपथी वगैरह देने के लिए तैयार थे, या फिर उनसे उनके जो इश्यूज है या फिर प्रॉब्लम्स है वो शेयर करने के लिए रेडी थे। ओके, देन दे यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन्स टू अचीव दिस एम। फिर से यहाँ पे मैंने जो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है उसको हर कोई फॉलो करेगा अभी। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। यहाँ पे हियर यू कैन सी जो सोसाइटी के मेंबर थे इंडियन सोसाइटी के, वो वाले ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। अभी आते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। द बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी मर्ज टूगेदर टू फॉर्म ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन 1851। यानी कि ये जो हमने अभी ऊपर देखा था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ये पीछे वाली जमींदारी एसोसिएशन, तो ये दो मर्ज हो गए थे इन 1851 एंड देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सोसाइटी जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। दे हैड सबमिटेड अ पिटिशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट विद सजेशंस फॉर द न्यू चार्टर लॉ ऑफ द कंपनी। और हम जानते हैं कि इसके बाद 1853 जो था वहां पे आया था लास्ट एंड थर्ड चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो था वो हर 20 साल में रिन्यू होके आता था, तो 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट हमें पता है, और उससे 2 साल पहले दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड। 1851 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। ओके, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि इनके बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस थे जो 1853 के चार्टर एक्ट में इंक्लूड किए जा चुके थे बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, द सजेशंस वर कौन से, अ सेपरेट लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ पॉपुलर नेचर, यानी कि पीपल जो है यहाँ के कॉमन मासेस इंडियन लैंड के, तो वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉपुलर नेचर। उसके बाद एबोलिशन ऑफ स्टैम्प सॉल्ट एंड अबकारी ड्यूटीज, ये जो है ये काइंड ऑफ टोल ड्यूटीज थी। देन रिड्यूसिंग द सैलरीज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एट हायर पोस्ट। होता क्या था, ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को प्लंडर करते, यानी इंडिया से रेवेन्यू लेते थे, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में सर्व करते थे तो उनको इंडियन से ज्यादा सैलरी देते थे। तो इनका ये कहना था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हायर पोस्ट पे उनकी सैलरीज को कम किया जाए। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, द ऑर्गेनाइजर सपोर्टेड द ब्रिटिश इन गिविंग हार्श पनिशमेंट टू रेबेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई उस टाइम पे, जो उस टाइम पे वेरियस ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट चालू हो गए थे इंडिया में ड्यू टू द बैड और द वर्स्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, स्पेशली उनके जो फॉरेस्ट लॉज थे या फिर फॉरेस्ट एक्ट थे उनके खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो हमेशा ब्रूटली सप्रेस करते थे किसी भी अपोजिशन को और हार्श पनिशमेंट देते थे। तो ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को चार्टर एक्ट 1853 के दौरान जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी उसने सपोर्ट देना चालू कर दिया था। ओके, हियर यू कैन सी राधाकांत डिब्स फोटो। उसके बाद
इंडियन लीग सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बाद में क्या बोल सकते मर्ज हुई या फिर काइंड ऑफ ज्वाइन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ओके, इन 1875 नोटेड जनरल शिशिर कुमार घोष हैड स्टार्टेड इंडियन लीग इन कलकत्ता। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने ये ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता में फॉर्म की थी। इट्स मेन एम वॉज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द कॉमन पीपल्स, जो भी कॉमन मासेस है उस टाइम पे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करना, ये वहां पे उनका मेन एम था। हियर यू कैन सी द फोटो, महात्मा शिशिर कुमार घोष, दिस इज द फोटो। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, दो फाउंडर थे आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हियर यू कैन सी द फोटो, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज एंड कंजर्वेटिव आउटलुक, इन्होंने लिबरल आउटलुक लिया थोड़ा और कॉमन मासेस के लिए इन्होंने अपनी वॉइस चालू कर दी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लैंडलॉर्ड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। दे सपोर्टेड फॉर रिफॉर्मिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जनरेटिंग एंड यूनिफाइंग अ पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल इशू ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इन्होंने पॉलिटिकल एजुकेशन देना इंडियंस को चालू किया था उस टाइम पे, और उसके थ्रू वो नेशनलिस्ट की फीलिंग जनरेट करना चाहते थे और इंडिया को यूनिफाई करना चाहते थे, और उसी के साथ दे ऑल्सो वॉन्टेड द रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेन ऑल इंडिया पॉपुलरिटी, याद रखो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। इससे पहले जितने भी लीडर्स हमने देखे या फिर आगे भी देखेंगे तो वो लीडर मेनली एक रीजन के लिए या फिर उतने टेरिटरी के लिए सीमित थे, देवर द रीजनल लीडर्स। और नेशनल लेवल पे जिसको सबसे पहली बार पॉपुलैरिटी मिली वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बट ही वॉज नॉट अ नेशनल लीडर, याद रखो। फर्स्ट नेशनल लीडर जो थे वो थे तिलक, तिलक ही इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट नेशनल लीडर, बट द फर्स्ट पॉपुलर नेशनल पर्सन या फिर नेशनलिस्ट भी कह सकते इनको, ही वॉज अ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ओके, वेन ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू गेन सपोर्ट फॉर डिमांड ऑफ द एसोसिएशन, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है उसके जो भी डिमांड्स थे उसके लिए पॉपुलर ओपिनियन या फिर पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के लिए वो जब इंडिया में घूमने लगे तो ही बिकेम द इंडियाज फर्स्ट पॉपुलर नेशनलिस्ट। उसके बाद दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज लेटर मर्ज्ड विद द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में मर्ज की गई। देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादाभाई नौरोजी इन लंडन इन 1867, यहाँ पे हियर यू कैन सी, एक्चुअली 66 है, 1866 उसके एड में वो चालू हुआ था, टू मेक पीपल ऑफ यूके अवेयर अबाउट द कंडीशंस इन इंडिया एंड जनरेट सपोर्ट फॉर इंडियन वेलफेयर। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मेन इंपॉर्टेंट एम था। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड द प्रीडेसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और याद रखो ये जो दादाभाई नौरोजी है इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी एज ए MP वहां पे एंट्री करना सक्सेसफुली चालू कर दिया था। आई थिंक ये एक या दो बार वहां पे एज ए MP इलेक्ट भी होके गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके, उसके बाद आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हमने देखा था मेजोरिटी ऑफ द बंगाल ऑर्गेनाइजेशन, अभी आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऑर्गेनाइजेशन पे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बॉम्बे एसोसिएशन, इसी को कहा जाता है बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन, इट वॉज फॉर्म इन 1852, यहाँ पे हमने देखा था। हियर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दिस वॉज फॉर्म इन 1851, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन जो है वो इसके एक साल बाद 1852 में एस्टेब्लिश हुई थी बाय जगन्नाथ शंकर शेठ अलोंग विद सर जमशेद जी जजभाई, जगन्नाथ शंकर शेठ एंड नौरोजी फुरसुंगी एंड डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, अलोंग विद टू इंपॉर्टेंट पर्सन दादाभाई नौरोजी एंड विनायक शंकर शेठ, ये दोनों रिलेटिव्स थे जगन्नाथ शंकर शेठ विनायक शंकर शेठ। और यहाँ पे भी दादाभाई नौरोजी का रोल आता है, और दादाभाई नौरोजी ने पॉलिटिकली या फिर पॉलिटिक्स अवेयरनेस जो थी उस टाइम पे उसको इंक्रीज करने के लिए जितना भी काम किया है उसकी वजह से उनको एक टाइटल दिया गया था, वो था
द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. हियर यू कैन सी द फोटो ऑफ द जगन्नाथ शंकर शेठ. ओके, सो दिस वॉज द बॉम्बे एसोसिएशन जो एक साल बाद हुई थी हमने जो कलकत्ता वाली एसोसिएशन थी उससे. इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी और द ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे प्रोविंस 1852 में. दिस वॉज द फर्स्ट. उसके बाद हियर यू कैन सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये मेंबर्स है 1885 में, वो आगे देखेंगे. उसके बाद ये पुणे सार्वजनिक सभा जो आज का महाराष्ट्र का पुणे सिटी है वहाँ पे ये सार्वजनिक सभा तैयार हुई थी इन 1870 बाय महादेव गोविंद रानडे. हियर इज अ फोटो ऑफ महादेव गोविंद रानडे एंड हिज एसोसिएट इन पुणे. दिस वॉज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल. यानी कि जो भी कॉमन मासेस थे उस टाइम पे महाराष्ट्र के या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, तो उनके जो भी इश्यूज थे ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट तक लेके जाती थी. दे ऑल्सो वर्क फॉर द लीगल राइट ऑफ द पीजेंट्स. यहाँ पे एक रिवॉल्ट हुआ था जिसको कहते हैं डेक्कन अपराइजिंग्स ऑफ द 1875. यहाँ पे पीजेंट्स ने या फिर फार्मर्स ने रिवॉल्ट किया था. तो उस टाइम पे भी जो मेडिएशन का काम था वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम पुणे सार्वजनिक सभा ने यहाँ पे परफॉर्म करना चालू कर दिया था. देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो भी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे तीन लोग थे इंपॉर्टेंट. एक थे फिरोज शाह मेहता, दूसरे बद्रुद्दीन तैयब जी, तीसरे थे केटी तेलंग. और इन तीनों की खासियत ये कि ये तीनों भी जो पढ़े थे वो थे लॉ. ये तीनों का जो मास्टरी था वो लॉ में था. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ब्रदर इन लॉज, क्योंकि लॉ में पढ़े थे. सो दे आर कॉल्ड एज ब्रदर्स इन लॉज. ओके, और ये फाउंडेशन जो था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का ये हुआ था 1885 में. और इसी साल देर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वॉज फॉर्म इन अपोजिशन टू इल्बर्ट बिल एंड लिटन पॉलिसी, जो कि रिएक्शनरी पॉलिसीज नाम से हम जानते हैं जिनको. इल्बर्ट बिल हमने पहले देखा है और लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज, ये भी हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी लाइक दिल्ली दरबार, जहाँ पे लिटन ने बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया. पर उसी टाइम पे इंडिया में फेमाइन था, तो फेमाइन में जो लोग मर रहे थे उनके लिए सपोर्ट करने के लिए या फिर उनके सर्वाइवल के लिए लिटन ने कोई भी कदम नहीं उठाया था वहाँ पे. ओके, सो हियर यू कैन सी थ्री पीपल्स, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग. अब फिरोज शाह मेहता जो थे ही वॉज अ पारसी, तो ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. उसके बाद बद्रुद्दीन तैयब जी ही वॉज अ इस्लामिक, तो इस्लाम कम्युनिटी से. एंड केटी तेलंग वॉज द हिंदू. तो बॉम्बे के या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उस टाइम पे तीन इंपॉर्टेंट जो रिलीजन है, इस्लामिक, हिंदुइज्म एंड पारसीज, तो ये तीनों रिलीजन जो थे वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने गए. उसकी वजह से हुआ क्या, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी इसका मास जो था या फिर मास बेस कह सकते वो एकदम से बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा मास बेस हो चुका था यहाँ पे इनका. उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन, दिस वॉज बाय गजलू लक्ष्मीरू चेट्टी इन 1849. कहाँ पे, मद्रास प्रेसिडेंसी में. इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास, मद्रास में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद मद्रास महाजन सभा इन 1884 बाय बी, एक्चुअली यहाँ पे जी होना चाहिए था, यहाँ पे बी हुआ है, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चरलू एंड एम वीर राघवाचारी. ये तीन लोगों ने मद्रास महाजन सभा जो है वो INC के एस्टेब्लिशमेंट से एक साल पहले यानी कि 1884 में एस्टेब्लिश की थी. कहाँ पे, मद्रास में. द ऑर्गेनाइजेशन टुक मॉडरेट स्टांस ऑन अपोजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज इन बिगिनिंग, पर लेटर फेज में इन्होंने गवर्नमेंट को अपोज करना स्ट्रिक्ट लेवल पे चालू कर दिया था. अर्लियर ये मॉडरेट थे. हियर यू कैन सी थ्री पीपल्स जो हमने अभी देखे, कौन से बीच में, तो एम वी वीर राघवाचार्य, उसके बाद पी आनंद चरलू एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर. और ये जो बड़ा वाला फोटो है ये है मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो फॉर्म की थी जिन्होंने, कौन, चेट्टी, GL चेट्टी, तो ये उनका फोटो है. अभी देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वाज द फर्स्ट नेशनल या फिर फर्स्ट नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन. अर्लियर हमने जो देखे अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो पूरे के पूरे जो थे वो रीजनल थे, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी. पर दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो नेशन वाइड एक्सपांड हुई थी या फिर स्प्रेड हुई थी. द फॉर्मेशन
ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इन 1885 बाय AOU अलोंग विथ अदर पॉलिसीज लाइक दादाभाई नौरोजी जो थे वहां पे जो अदर पीपल्स थे जो अलग अलग पॉलिसीज से या फिर अलग अलग पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे जो हमने अर्लियर देखा था अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहां पे जो अलग अलग लेवल पे सपोर्ट चलता था वहां पे भी जो लोग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ज्वाइन होना चालू हो चुके थे। कौन कौन थे? दादाभाई नौरोजी सबसे इंपॉर्टेंट, और सेकंड रिंशा वच। फॉर्मेशन कब? 1885 में बाय AOU। फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंडर विमेश चंद्र बैनर्जी इन 1885। हियर इज अ फोटो ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। यहाँ पे हियर यू कैन सी 72 पीपल्स। देन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन गेव परमिशन टू ह्यूम फॉर द फर्स्ट सेशन। अब यहाँ पे ब्रिटिश जो थे स्पेशली वॉइसरॉय डफरिन, इसको नहीं लगा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इतने बड़े लेवल पे एक्सपांड होने वाली। इनिशियल अर्लियर उसको लगा कि जो अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि अलग अलग रीजन में बिलोंग करते थे तो वो उतने रीजन तक रहेंगे, ऐसा इसको लगा था। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बाद में पैन इंडिया हो चुकी थी। द कांग्रेस वॉज फॉर्म विथ इंटेंशन ऑफ डिस्कसिंग प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल ऑफ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले जो हमने देखे थे ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन या फिर डिवीजन होता था या फिर डिस्क्रिमिनेशन भी होता था कभी कभी, पर ये जो INC बनाई गई थी इसका फाउंडेशन ही था कि किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को डिस्टिंक्शन को ये नहीं मानने वाले, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिस्टिंक्शन जो भी इंडिया के पीपल है कॉमन मासेस उनके प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल पे डिस्कस करना इनका मेन इंपॉर्टेंट एजेंडा था। जो INC थी वो ग्रोइटेड टू फेजेस में, फर्स्ट फेज मॉडरेट, सेकंड फेज एक्सट्रीमिस्ट। तो अगर डेट में देखा जाए तो 1885 टू 1905 यानी कि स्वदेशी मूवमेंट जब तक थी तो ये फेज जो था दिस इज कंसिडर्ड एज अ मॉडरेट फेज, और 1905 टू 1914 यानी कि जब होम रूल मूवमेंट जो थी 1914 में वो स्टार्ट होने वाली थी तो ये फेज को कंसिडर किया जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो वहाँ पे एक थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ द सेफ्टी वॉल। तो ऐसा कहा जाता है जो इंडियंस थे उस टाइम पे वो स्लोली पढ़ रहे थे, लिटरेट हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे उनको डर लगने लगा कि जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था वो मेनली इलिटरेट पीपल्स ने किया था और वो डिसऑर्गेनाइज थे, पर जो 1885 ये जो डेट है ये डेट आते आते यहाँ पे हुआ गया जो इंडियन थे लिटरेट थे वो ऑर्गेनाइज होने लगे, और ब्रिटिशर्स को ये डर था कि फिर से 1857 के जैसा रिवॉल्ट ना हो, तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया जो इंडियंस थे उनके अंदर जो भी डिसकंटेंट फॉर्म हो रहा था तो उसको एक अच्छा वे आउट देने के लिए यानी कि वायलेंट जो लोग थे उस टाइम पे उनको शांत करने के लिए एक नई या फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिटिशर्स वो चालू करनी चाहिए, ऐसा कहना था किसका? AOU का। और उसने कन्विंस कर लिया था किसको? लॉर्ड डफरिन को कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी चाहिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मेन पर्पस था यहाँ पे इंडिया में जो भी लोग थे स्पेशली लिटरेट उनका जो डिसकंटेंट है उसको शांत किया जाए, तो ये जो टोटल थ्योरी थी इसी को कहा जाता है द थ्योरी ऑफ द सेफ्टी वॉल। ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे, थ्योरी ऑफ द सेफ्टी वॉल यानी कि डिसकंटेंट को सेफली एक क्या बोल सकते हैं एक वे दिया जाए यानी कि एक रास्ता दिया जाए जिससे कि वो डिसकंटेंट जो है वो स्लोली विदाउट एनी वायलेंस वहां से निकल जाए। और AOU को इस थ्योरी के अंडर कहा गया है लाइटनिंग कंडक्टर। अभी आपको पता है लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है तो इसके ऊपर एक रॉड लगी होती है मेटल की, अगर ऊपर कोई भी लाइटनिंग होती है तो ये क्या करती है ये रॉड के थ्रू बिल्डिंग के आजू बाजू से जाती है डायरेक्टली अर्थ में चली जाती है, यहाँ पे बिल्डिंग में किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता है। तो AOU वॉज अ लाइटनिंग कंडक्टर इन द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल। अभी देखते हैं मॉडरेट फेस। हियर द सम इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स रेंद्रनाथ बैनर्जी जी, सुब्रमण्यम अय्यर, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो मॉडरेट फेस जो मैंने कहा था 1885 टू 1905 देवर पीपल हु बिलीव इन ब्रिटिश जस्टिस एंड वर लॉयल टू देम। जी सुब्रमण्यम अय्यर
देन जीके गोखले, सुनील बैनर्जी, राज बिहारी घोष, आरसी दत्त, एमजी रानडे, फिरोज शाह मेहता, पीआर नायडू, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार, दीज आर द इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स। अब यहाँ पे याद रखो, राज बिहारी घोष अलग है और राज बिहारी बोस अलग है। तो ये घोष जो थे, राज बिहारी घोष, ही वॉज अ मॉडरेट, और राज बिहारी बोस जो थे, ही वॉज अ कंपेनियन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, जो कि बाद में जिन्होंने INA यानी कि आजाद हिंद फौज जिसका फॉर्मेशन किया था, वो वाले बोस है, यहाँ पे घोष है। याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, राज बिहारी घोष एंड राज बिहारी बोस। तो एम क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टार्टिंग में, तो वो देखते हैं अभी। देयर एम वॉज द टू एजुकेट द मासेस एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, देन मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, देन सेकेंड एम वॉज टू रिफॉर्म द काउंसिल। अभी यहाँ पे दो काउंसिल्स थी, एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि लॉज बनाती थी, और दूसरी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि ये जो लॉज थे इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती थी। देन देयर वॉज अ सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, जुडिशियल जो सेपरेशन ऑफ पावर था यहाँ पे वो चालू हो चुका था, और इसके लिए जो सपोर्ट या फिर इस इश्यू को सपोर्ट देने का काम जो था वो किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। क्या बोला था इसने, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इन दोनों को सेपरेट करो, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। देन डिक्रीज लैंड रेवेन्यू या फिर लैंड टैक्सेस, उनको कम करो, एंड एंड पीजेंट ऑपरेशन, जो भी पीजेंट थे उनको सप्रेस कर रहे हैं फिर ऑपरेस करना वो बंद करो। देन रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन आर्मी, और इनका कहना था कि इससे अच्छा एजुकेशन एंड हेल्थ, इन दो चीजों पे एक्सपेंडिचर करना चालू कर दो इंस्टेड ऑफ द आर्मी। देन दे ऑल्सो प्रमोटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने प्रेस जो था फ्री प्रेस तो उसको भी सपोर्ट करना चालू कर दिया था फ्रॉम एसोसिएशन, एंड एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। अभी सभी को पता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम की एक थियरी थी जो दादाभाई नौरोजी ने दी थी। तो INC का कहना था कि जो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है इंडिया का वो खत्म कर किया जाए। उसके बाद अभी देखते हैं द मेथड्स यूज्ड बाय द मॉडरेट्स, मॉडरेट्स ने कौन से मेथड यूज किए थे। सबसे पहला, दे बिलीव्ड इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ डिमांड, दे यूज्ड पेटिशन, मीटिंग, रिजोल्यूशन, पैम्पलेट्स, मेमोरेंडा एंड डेलीगेशंस टू वॉइस देयर डिमांड्स, यानी कि दीज आर द वेरियस या फिर डिफरेंट मेथड्स जो उन्होंने यूज की थी। इन्हीं को अलग लैंग्वेज में 3 P's भी कहा जाता है, कैसे कैसे, प्रेयर्स, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। और अल्टीमेटली हुआ क्या, जो यंगर यूथ था कहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो उसने ये 3 P जो थे इनको अपोज करना चालू कर दिया, और इनडायरेक्टली इसका एक्सटेंशन हुआ इन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दे कन्फाइन टू एजुकेशन क्लासेस ओनली, क्योंकि अगर पेटिशन डालनी है, मीटिंग करनी है, रिजोल्यूशन करना है, पैम्पलेट छापना है, मेमोरेंडा देना है, या फिर डेलीगेशन देना है, या फिर डेलीगेशन में पार्टिसिपेट होना है, तो इन सारी चीज़ों को एजुकेशन जो है, स्पेशली एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट था। तो उसके वजह से दिस वॉज मेनली कन्फाइंड अप टू एजुकेटेड क्लासेस ओनली। दे एम ओनली एट गेटिंग पॉलिटिकल राइट एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिटिश है उन्हीं के अंडर इनको क्या चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था, यानी कि एटोनोमी चाहिए थी, एंड इनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे। जैसे कि उस टाइम पे जो आयरलैंड था उसमें मूवमेंट चालू हो गई थी कि इनको भी सेम ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर उनकी सेल्फ एटोनोमी चाहिए। अब देखते हैं मॉडरेट्स के सक्सेसेस क्या क्या। सबसे पहला सक्सेस है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 से एफर्ट लेना चालू कर दिया था। उसके बाद दे एबल टू सॉ द सीड ऑफ नेशनलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में इससे पहले नहीं थी, पॉलिटिकली नहीं थी, कल्चरली थी, पॉलिटिकली नहीं थी, तो इसके सीड्स जो थे उन्होंने सोइंग करना चालू कर दिया था। देन दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, स्पेशली ऐसे आइडियाज जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से चालू हुए थे। दे ऑल्सो एक्सपोज मेनी ड्रेन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ड्रेनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी उस टाइम पे उनका भी इन्होंने क्या बोल सकते हैं, एक्सपोजर किया था, और कॉमन मासेस को इन्होंने कॉमन लैंग्वेज में समझाया था कि हाउ ब्रिटिशर्स आर ड्रेनिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया। जीके गोखले एंड एमजी रानडे वर द सोशल रिफॉर्मर टू, यानी कि ऐसा नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्लियर फेज में सिर्फ
पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर भी थे हु अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड विडोहुड, जो इम्पोज विडोहुड यानी कि फोर्सफुल विडोहुड था एंड चाइल्ड मैरिजेस, ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इनको अपोज करने के लिए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहाँ पे वॉइस रेज की थी। अब व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द मॉडरेट्स, सबसे पहले दे एक्सक्लूड द मासेस एंड ओनली एजुकेटेड इलेट पार्टिसिपेटेड इन इट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनका। दे डिड नॉट डिमांडेड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, उनको क्या चाहिए था, ब्रिटिश डोमिनेशन के अंदर ही, यहाँ पे हमने देखा था ब्रिटिश डोमिनेशन के अंदर ही उनको सेल्फ रूल चाहिए था। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मासेस या फिर मास मूवमेंट लाइक गांधी जी, गांधी जी को पता था कि मास जो है या फिर कॉमन पीपल है उनकी पावर क्या है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अर्लियर साउथ अफ्रीका में उनके एक्सपेरिमेंट्स किए थे। देन दे अडॉप्टेड द आइडियाज फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स विच फर्दर एलिनेटेड देम, क्यों, क्योंकि इंडियन कॉमन मासेस को क्या लगता था, इनके पास ऑलरेडी यानी कि इंडियन कल्चर में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, तो वेस्टर्न से पॉलिटिकल आइडियाज लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पर इन्होंने क्या किया, वेस्ट से आइडिया ली तो उसके वजह से ऑलरेडी मासेस जो थे वो इनसे दूर जाने लगे थे। अब देखते सेकंड इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट्स। यंगर पीपल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु डिड नॉट बिलीव इन सॉफ्ट एंड परस्यू अप्रोच ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, दे बिकम द एक्सट्रीमिस्ट। और इनके तीन इंपॉर्टेंट लोग थे जिनको ट्रायलॉजी भी कह सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को कहा जाता है लाल बाल पाल, तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अब देखते हैं व्हाट वर द कॉजेस ऑफ राइज, फेलियर ऑफ द मॉडरेट लीडर इन गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी। इनको रिजल्ट तो मिला था पर कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला था या फिर कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नहीं मिला था। सेकंड, देयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन। ओके, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल के पार्टीशन का डिस्कशन चालू हो चुका था और लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज जो थी एंड डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसीज थी उसको वहां पे इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया था एंड मॉडरेट लीडर फेल टू अपोज इट। एंड सेकंड पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो 1905 में हुआ था वो, उसके बाद देयर वाज अ फियर अमंग द सम लीडर दैट द मॉडरेट विद देयर वेस्टर्नाइज नोशन वर ट्राइंग टू क्रिएट एन इंडियन इमेज ऑफ द वेस्ट, यानी कि यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट या फिर ट्रस्ट इशू था। देयर वाज द रिवाइवल ऑफ द नेशनल सेल्फ एस्टीम एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से नेशनल सेल्फ एस्टीम स्पेशली उसमें था आत्मीयता या फिर आत्मबल एंड स्वराज, और दूसरा है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। ये दो चीजें उस टाइम पे एकदम पीक पे थी उसके रिवाइवल के। देन दिल्ली दरबार हेल्ड इन 1903 व्हेन पीपल हैड नॉट फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द हॉरिफिक इफेक्ट ऑफ द फर्माइन, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जो यंगर लोग थे उनको लगा कि मॉडरेट जो है वो फेल हो चुके टू वॉइस देयर इश्यूज। देन इवेंट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो इंस्पायर्ड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एंड अदर नेशनलिस्ट मूवमेंट लाइक इन पर्शिया, इजिप्ट, टर्की, वहां पे भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी उस टाइम पे चालू हो चुकी थी, और ये भी एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे थे इंडियन एक्सट्रीमिस्ट के लिए जो कि उस टाइम पे आईएनसी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट थे। अब देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स, एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे उन्होंने क्या क्या मेथड्स यूज किए थे। द एक्सट्रीमिस्ट गोल वॉज स्वराज, अभी यहाँ पे स्वराज की जो है वो डेफिनेशन किसी ने नहीं दी थी, एक्चुअली स्वराज की डेफिनेशन जो था वो देना चालू किया था गांधी जी ने। इससे पहले कोई एक डेफिनेशन पे सब लोग एग्री नहीं करते थे, हर एक की अलग अलग स्वराज की डेफिनेशन थी। दिस एट दैट टाइम आइदर मेंट कंप्लीट एटोनॉमी एंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल और टोटल इंडियन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट नेसेसरीली ब्रेक अवे फ्रॉम ब्रिटेन्स इंपीरियल रिजिम, यहाँ पे यम है रिजिम। ओके, दे इन्वॉल्व वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल एंड लोअर मिडल क्लास, इन दोनों को इन्होंने इन्वॉल्व किया था।
दे फॉलोड बायकॉट स्ट्राइक बर्निंग फॉरेन गुड्स क्लॉथ्स एक्सेट्रा, ये वाली जो एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स थी, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव बोथ मेथड्स इन्होंने यूज करना चालू किया था। दे टुक प्राइड इन इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री एंड अपोज वेस्टर्नाइजेशन, इसके टोटल अगेंस्ट है मॉडरेट्स। दे बिलीव इन सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइफ फॉर द कॉज ऑफ मदरलैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी का बाद में एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द गांधियन नेशनलिज्म, या फिर जो 1942 के बाद इंडिया में जो मूवमेंट चालू हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, तो ये वाली चीज है अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड, ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और इसका इवोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो हमें मिलता है इन द मेथड्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। देन लीडर्स कौन कौन थे, लाल बाल पाल, ये तो हमने देखे तीन, फर्स्ट थ्री लाल बाल पाल कहा जाता है, और ये तीन लोग जो थे इंडिया के तीन इंपॉर्टेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते थे, पंजाब बॉम्बे एंड बंगाल रिस्पेक्टिवली। अदर लीडर कौन कौन थे, अरबिंदो घोष जो कि बाद में स्पिरिचुअल लीडर भी बने, देन राजा नारायण बोस, के दत्त, वी ओ चिदंबरम पिल्ले, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द साउथ इंडिया एट द टाइम एंड स्पेशली इन द एक्सट्रीमिस्ट वे। देन अभी INC तो फॉर्म हुए तो उस पर गवर्नमेंट की रिएक्शन क्या थी, गवर्नमेंट अटैक्ड एक्सट्रीमिस्ट लीडर विगरसली। अर्लियर क्या था, गवर्नमेंट जो थी उसी ने INC के फॉर्मेशन को सपोर्ट किया था, ये हमने देखा था ड्यूरिंग द लॉर्ड डफरिन, पर जैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का राइज हुआ था तो गवर्नमेंट स्टार्टेड अटैकिंग एंड सप्रेसिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देर वर वेरियस लॉज विच पास्ड बिटवीन 1907 टू 1911 लाइक सीडिशियस मीटिंग एक्ट, देन इंडियन न्यूज पेपर एक्ट, देन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, और ये सारे के सारे लॉज जो थे वो सिविल लिबर्टीज जो कही जाती है या फिर सिविल राइट्स जो कहा जाता है उसको सप्रेस करने के लिए वो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने पास किए थे। इसी टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज जो हुई थी, तिलक वॉज सेंटेंस एंड सर्व इन प्रिजन फॉर अराउंड 6 ईयर्स इन मंडाले जो कि बर्मा में, वहाँ पे तिलक को इम्प्रिजनमेंट हुई थी, एंड बर्मा एट दैट टाइम वॉज ऑल्सो कॉलोनी, बर्मा यानी कि आज का म्यांमार वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन एट दैट टाइम। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में, यहाँ पे हियर यू कैन सी द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन। द आइडिया ऑफ यूजिंग बंगाल पार्टीशन एज अ पॉलिटिकल टूल टू अंडरमाइन द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया ऑकर्ड लेटर। ओके, तो इससे पहले क्या था, जो ब्रिटिश वाइसराइज थे इंडिया के उनको लगता था कि बंगाल जो है इट इज अ सेंटर एंड अ हॉटस्पॉट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, तो उसको ब्रेक करो, तो जो इंडियन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वहां पे राइज हो रहे थे उनको सप्रेस करना इजी हो जाएगा। तो बंगाल को डिवाइड किया जाने वाला था इन द टू प्रोविंसेस, दैट इज वेस्टर्न बंगाल, ओडिशा एंड बिहार जो कि बंगाल होगा, और दूसरा होगा ईस्टर्न बंगाल, एंड थर्ड विल बी द आसाम। अर्लियर आसाम जो था वो बंगाल प्रोविंस में ही कंसिडर किया जाता। ओके, तो आसाम को अलग किया जाएगा और बंगाल जो होगा उसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया जाएगा, एक होगा बंगाल जिसके अंडर होगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार आज के, एंड ईस्टर्न बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश, और उसकी कैपिटल जो होगी वो ढाका होगी, ऐसा वहां पे कहा गया था, और इसी चीज को सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग ने। अगर आपको पता होगा तो 1906 वाज द डेट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ओके, देन बंगाल वुड हैव हिंदू मेजोरिटी यानी कि ये वाला वेस्टर्न पार्ट, एंड ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम वुड हैव मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन, यानी कि रिलीजियस लेवल पे भी इन्होंने डिवाइड करना चालू किया था। देन कैपिटल ऑफ ब्रिटिश वुड रिमेन कलकत्ता, कलकत्ता वुड बी द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश। अब देखते हैं इसके इफेक्ट क्या क्या हुए थे। देर वॉज वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो हमने यहाँ पे इमेज देखी ये काइंड ऑफ थिंग, पीपल सॉ इंसल्ट टू देयर मदरलैंड। ऑब्वियसली अगर किसी भी मदरलैंड को अगर बीच में से डिवाइड करना है तो वहां के जो नेटिव पीपल है उनके लिए वो एक इंसल्ट हो गई। देन रविन्द्रनाथ टैगोर इस टाइम पे उनका राइज हुआ था और उन्होंने आत्मशक्ति वगैरह वो चीजें यहाँ पे कहनी चालू कर दी थी, सेल्फ रिलायंस स्पेशली। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज्ड द फेमस अमर सोनार बांग्ला विच बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ द बंगाल या फिर बांग्लादेश इन द लेटर फेज। लेटर फेज यानी कि 1971 के बाद दिस बिकेम द
नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश. देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन देयर ओन प्रोविंसेस जो थे वो माइनॉरिटी में चले गए थे. ओके, देयर वुड बी मोर ओडिया एंड हिंदी स्पीकिंग देन द बंगालीज. जो हमने देखा था कि कंसिडर करो ये अगर बंगाल है, टोटल पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी, तो उसको डिवाइड करने वाले थे ईस्टर्न बंगाल में एंड बंगाल में, यानी कि वेस्टर्न बंगाल में. तो वेस्टर्न बंगाल में क्या होने वाला था, ओडिया स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग लोग ज्यादा होने वाले थे इंस्टेड ऑफ बंगालीज, यानी कि बंगालीज को उन्हीं के लैंड में या फिर उन्हीं के रीजन में माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने का ये एक प्लान था. क्यों? क्योंकि बंगालीज वर द एट दैट टाइम वर द इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट. ओके, देन लॉर्ड कर्जन ऑल्सो प्रोमिस्ड टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी इन ढाका सो दैट जो ईस्टर्न बंगाल होगा वो एक अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगा वहां पे. दिस वॉज ऑल्सो सीन एज अपॉर्चुनिटी फॉर द मुस्लिम टू डेवलप एजुकेशन एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो उस टाइम पे कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे, स्पेशली मुस्लिम लीग वाले, उनका कहना था कि जो उस टाइम पे कॉमन मासेस, जो मुस्लिम कॉमन मासेस थी, वो एजुकेशन में वीक है एंड उनके पास अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है. देन ओवरऑल प्रोटेस्ट इन रेस्ट ऑफ कंट्री वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन, पार्टीशन के अगेंस्ट ही था. पीपल सॉ थ्रू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज, जो अर्लियर भी ब्रिटिशर्स ने यूज की थी इंडियंस पे. ऑन द डेट ऑफ पार्टीशन पीपल ऑब्जर्व डे ऑफ मॉर्निंग. टैगोर आस्क हिंदूज एंड मुस्लिम टू टाई राखीज टू ईच अदर टू मार्क द प्रोटेस्ट एंड दिस वॉज सिम्बॉलिक यूनिटी. ब्रिटिश क्या करना कहना चाहते थे या फिर करना चाहते थे, हिंदूज एंड मुस्लिम जो है उनके बीच में यूनिटी ना हो. तो इसके अपोजिट टैगोर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे को राखी बांध दो. देन स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट इन अ नेशनल स्ट्रगल स्टार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पार्टीशन. स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट पैरेलली वहां पे चालू हो चुके थे. पीपल स्टार्टेड बायकॉटिंग ब्रिटिश गुड विच हैड फ्लडेड इंडियन मार्केट एंड हैड डेल्ट अ ब्लो ऑन इंडिजिनियस इंडस्ट्री. और अल्टीमेटली अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो इस बायकॉटिंग की वजह से ब्रिटिश गुड्स जो थे एंड स्पेशली जो ब्रिटेन था वहां पे बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे इकोनॉमिकली वहां पे डिक्लाइन आना चालू हुआ था. बट देयर वाज द वन सैड थिंग, कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम पार्टीशन ऑफ द बंगाल. और इसका अगर हम डायरेक्ट अल्टीमेट रिजल्ट देखेंगे तो वो रिजल्ट था इन द टू नेशन थ्योरी, और जहां से पाकिस्तान का राइज होता है. इवन दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बर्थ ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो वहां पे सक्सेसफुल हो चुकी थी. अब यहाँ पे हुआ क्या इसके बीच में, जब 1905 ये जो डेट है इसके बाद जो पार्टीशन इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में, उसी टाइम पे एक नई चीज चालू हुई थी. देयर वॉज द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज. रिवोल्यूशनरीज तो ये लोग क्या करते थे, ये इंडिविजुअल हीरोइज्म करते थे, यानी कि बंदा अकेला जाएगा और दो चार ब्रिटिश लोगों को मार के आ जाएगा, स्पेशली जो ब्रिटिश के हायर ऑफिशियल्स थे उनको मार के आ जाएगा. तो 1905 के बाद ये जो चीजें थी ये सबसे ज्यादा लेवल पे होने लगी. और स्पेशली 1908 ये जो ईयर है, दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट ईयर, ये ईयर में सबसे ज्यादा वहां पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वहां पे हो गई थी. और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इसको कहा था रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, दीज आर द टेररिस्ट जो रिवोल्यूशनरीज है, ऐसा कहा गया था उनको. ओके, तो ये बहुत सारी चीजें, उसी के साथ उनके ऊपर कॉमन पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ रहा था एंड मासेस जो थे उनका भी ओपिनियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहा था. तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली पार्टीशन जो उन्होंने किया था 1905 में उसको कैंसिल करना पड़ा, यानी कि एनुअल करना पड़ा. मास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थे वहां पे एंड अल्टीमेटली पार्टीशन वॉज एन्यूल इन 1911. न्यू प्रोविंसेस वर क्रिएटेड, यानी कि जो डिवाइड हुआ था ना वो डिवाइड वैसा ही रखा था उन्होंने, बट उसको कन्वर्ट किया था ऑन द बेसिक लैंग्विस्टिक लाइन्स रैदर देन रिलीजियस लाइन्स. अर्लियर हमने देखा था कि रिलीजन के हिसाब से डिवाइड किया गया था, वेस्ट में हिंदूज, ईस्ट में और आसाम में मुस्लिम्स. तो उसको सिर्फ नाम चेंज किया लिंग्विस्टिक में, बाकी सब कुछ सेम था वहां पे. देन बिहार एंड ओडिशा ये जो थे, दिस बिकेम द न्यू प्रोविंसेस विच वर कार्ड आउट ऑफ बंगाल अलोंग विद द आसाम. इनको अभी ब्रिटिशर्स को क्या फियर था
के जो बिहार एंड ओरिसा है वो बंगाल को सपोर्ट करेगा एंड अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बंगाल में था वो अल्टीमेटली वीक हो जाएगा। तो उसकी वजह से उन्होंने बिहार एंड ओरिसा को अलग कर दिया और असम को अलग कर चुके थे। एंड कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया मूव टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता इन 1911। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था अर्लियर, जो मुस्लिम्स थे उनको बहुत सारे पर्स दिए थे, उनको कहा था कि हम आपके लिए आपका एक अलग एरिया बना के देंगे, पर अल्टीमेटली यहाँ पे जो मुस्लिम थे उनका रिएक्शन क्या था कि देवर द बिट्रेड बाय द ब्रिटिशर्स, और ऑब्वियसली वो एवेंजेंस लेना चाहते थे, और ब्रिटिशर्स को लगता था कि कलकत्ता में अभी उनका रहना ठीक नहीं है क्योंकि कलकत्ता विल बी अ कंटिन्यूअस अंडर थ्रेट फ्रॉम द बंगाल। तो उन्होंने इंडिया की जो ओल्ड पॉलिटिकल कैपिटल थी जो कि थी दिल्ली, जहाँ पे मुगल्स भी थे, इवन जब साउथ में मराठाज का राइज हुआ था उन्होंने भी मुगल्स को ही सपोर्ट किया था एज अ सोवरेन पावर ऑफ द इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो अर्लियर ट्रेडिशनल कैपिटल थी इंडिया की वहीं पे अब शिफ्ट हो जाते। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुई थी आफ्टर द पार्टीशन। ओके, और यही से इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोर्स भी चेंज होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट, एक सेशन हुआ था, अभी आप सभी को पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अलग अलग सेशन होते थे एवरी ईयर और अलग अलग रीजन में होते थे। तो वैसा एक सेशन हुआ था सूरत नाम के प्लेस पे जो उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। ओके, वहां पे सूरत सेशन ऑफ द आईएनसी इन 1907 में हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट वॉन्टेड लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक टू बी प्रेसिडेंट, बट मॉडरेट्स वॉन्टेड राज बिहारी घोष एज अ प्रेसिडेंट, और अल्टीमेटली राज बिहारी घोष ही वहां पे प्रेसिडेंट बने थे। देन मॉडरेट ऑल्सो वॉन्टेड टू ड्रॉप रिजोल्यूशन ऑन द स्वदेशी बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ओके, स्वदेशी बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, ये तीनों चीजें जो थी, जो एजेंडा था एक्सट्रीमिस्ट का, वो यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते थे मॉडरेट्स, और इसकी वजह से हुआ क्या, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और अल्टीमेटली देयर वाज अ सूरत स्प्लिट, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे ब्रेक हो चुकी थी, और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश थे उनको एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस मिला था। ब्रिटिशर्स को क्या चांस मिला था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये ऑलरेडी वायलेंस थे या फिर वायलेंट करते। ओके, तो इनके वायलेंस की वजह से हुआ गया, ब्रिटिशर्स को इनको सप्रेस करना आसान हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी एक रेडीमेड रीजन मिल गया था कि जो एक्सट्रीमिस्ट है दे आर द क्या बोल सकते हैं एनिमी ऑफ द पीस, तो उसकी वजह से वो एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करने लगे। और जो मॉडरेट थे जिनको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो उनके लिए ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज की थी, उन्होंने लाया था 1909 का एक इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट, 1909 का काउंसिल एक्ट, आई थिंक दिस वॉज द लास्ट काउंसिल एक्ट। तो इसके थ्रू जो मॉडरेट थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ खींच लिया था एंड अल्टीमेटली देयर वाज द पैरालाइजेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल द 1914 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पैरालाइज मोड में चले गए थे। इस टाइम पे सिर्फ एक बंदा था जिसका नाम था जीके गोखले, ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज एक्टिवली सपोर्टिंग द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज द ओनली पर्सन हु केप्ट इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल एक्टिव फ्रॉम द 1908 to 1914। दिस वॉज द ओनली वन पर्सन जो नेशनल लेवल पे इंडिया के उस टाइम पे जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट चालू हो चुकी थी उसको अलाइव करने का या फिर उसको कंटिन्यूसली रिज्यूनरेट करने का एफर्ट जो था वो लेने वाले, दिस वॉज द ओनली वन पर्सन जीके गोखले। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।